स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या होता है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक? सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक किसे कहते हैं, क्या होता है वो, क्या होता है। दिखा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस टू ऐड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये भी बोल सकती हूँ कि इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या निकल रहा है कि वो क्या कर रहा है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं टू ऐड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इसको हम, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आता है इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक कहते हैं। क्या बोल रहा है कि क्या होता है, क्या करता है वर्ल्ड बैंक जो है, या विश्व बैंक जो है वो क्या करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, जो डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग, मतलब फंड से रिलेटेड, एडवाइस से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड। किसके लिए हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए किसको हेल्प कर रहा है, जो भी डेवलपिंग नेशंस है। क्लियर है क्या होता है, व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का, जुलाई 1944, ऑलमोस्ट 70 इयर्स अगो। इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, टाइप इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। जो हमने कल डिस्कस किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके लिए भी हम देख रहे थे कि कॉन्फ्रेंस वो वंस इन ईयर कहाँ करते थे, वॉशिंगटन DC, जो यूनाइटेड स्टेट US में है। फिर उसकी मेंबरशिप कंट्रीज कितनी है बोल रहा है, मेंबरशिप जो है वो 188 कंट्रीज में है, IBRD, और ये बताऊंगी अभी क्या है, और दूसरा 172 कंट्रीज है IDA। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज वहां पे यूज करते हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। प्रेसिडेंट कौन है, जिम योंग किम। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है वो मैं बताती हूँ। तो आपको जो ये दिखा रहा है ना कि 188 कंट्रीज IBRD की है और 172 कंट्रीज, तो क्या होता है कि एक मेन बोला जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह, जिसके अंदर पांच मेन बोलना चाहिए क्या आती हैं, उनके मेन मेन 5 मेंबर्स हैं। एक IBRD, दूसरा IFC, तीसरा IDA, चौथा MIGA और फिर लास्ट, फिफ्थ बोल रही हूँ, ICSID। इन पांचों से मिलके क्या बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और सबके अलग अलग क्या है, मेंबर्स हैं, और उन मेंबर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका मेंबर्स हैं और उनके क्या हुए हैं, स्टेब्लिशमेंट हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक में अंदर कितने ग्रुप आ रहे हैं, 5 ग्रुप्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो हम अभी बोल रहे थे कि हम इसको वर्ल्ड बैंक को क्या भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या हो गया, IBRD हो गया, जिसमें टोटल कितने मेंबर हैं, अभी रिसेंट का बता रही हूँ मैं, 189 मेंबर्स हैं। इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, दिसंबर 1945 को। फिर सेकेंड क्या बोला था इसमें, तो सेकेंड किसका दिया हुआ है, IDA के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें देख रही हूँ ग्रुप में, मैंने आपको बताया कि 5 मेंबर हैं। पहला मैंने बताया इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जिसके 184 मेंबर्स हैं, जो जुलाई 1956 को स्टैब्लिश हुआ था। फिर
फिर तीसरा मेंबर कौन है जिसकी जिसकी इसके बारे में बात कर रहा है, IDA, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के रिसेंट जो है वो 173 मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक में इंक्लूडेड है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 सितंबर 1960 को। फिर उसके बाद एक और मैंने बताया, फोर्थ नंबर पे है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है जिसके रिसेंट में 181 कंट्रीज क्या है, मेंबर, 181 कंट्रीज इसमें मेंबर है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 12 अप्रैल 1966 को। सबसे पहले हमारा कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1945 को दिसंबर में, और जुलाई में हमारा क्या बना था, वर्ल्ड बैंक बना था। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको सबसे पहले इसके ग्रुप में पहला मेंबर कौन हो गया, वो हो गया जिसमें इस ग्रुप की कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, 189 हो गई है। फिर दूसरा आया IFC, तीसरा आया IDA, फिर चौथा आया MIGA, और अब लास्ट एक और पूछ रहा है, एक और बता रहा है मुझे जिसमें ग्रुप मेंबर है, ICSID, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये पांचों मिलके क्या करते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1966 को। ये पांच जो है, ये पांच बोलना चाहिए इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मिलके क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनता है, और टोटल 189 कंट्रीज इसमें क्या है, इन्वॉल्व है या इसकी मेंबर है। और ये इनके क्या है, सबके अलग अलग वर्क हैं, जैसे IBRD है, इसका क्या वर्क है, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंस का काम करेगी, डेवलपमेंट वाला डेवलपमेंट का काम करेगा, जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेगी, डेवलपमेंट वाली डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, और जो लास्ट वाली है ये किसके बारे में बात करेगी, डिस्प्यूट और जो भी उनसे रिलेटेड सेटलमेंट्स होंगे उनके बारे में काम करेगी। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए, इसके फैक्ट्स हो गए, जो इसका एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक क्या होता है वो हमें पता चल गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है वो हमें पता चल गया, वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेडिकेटेडली क्या काम करती है, फाइनेंस एडवाइज और रिसर्च, वो पांच है जो मिलकर क्या करती है, ये सब काम करती है किसके लिए, जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको इकोनॉमिक एडवांसमेंट में हेल्प करती है। व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या बोल रहे, द वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज नीडिंग फाइनेंसिंग एंड फंड रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। द बैंक इज सक्सेसफुल प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर दोज डिस्ट्रॉयड कंट्रीज। फिर बोल रहा है और बता रहा है, द इंटरनेशनल बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बिफोर वर्ल्ड वार टू हैड एंडेड। फिर वही जो हमने कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज, बता रहा है कि उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, हमने देखा था कि उस कॉन्फ्रेंस में कुछ 44-45 नेशन के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उन्होंने मिलके क्या किया था, IMF को स्टार्ट किया था। कॉन्फ्रेंस हेल्ड वाज हेल्ड फ्रॉम द 1st to 22nd of July 1944, कंटेन 3730 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल 44 अलाइड नेशन इन बैटन वुड्स टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वार टू। ये सब कुछ कहानी कब शुरू हुई, वर्ल्ड वार टू के बाद। तो उसने क्या किया, दो मेजर इंस्टीट्यूट क्रिएट किए बैटन वुड में, दो मेजर इंस्टीट्यूट्स क्या हुए, एस्टैब्लिश हुए या क्रिएट हुए, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF हम कल डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये देखो जो मैं बता रही थी आपको कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या आता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर
फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब मेन जो हमारा क्वेश्चन आता है वो शुरू होता है, मैंने कल भी डिस्कस किया था आपसे कि जब भी हम इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट देखने के बाद वो क्यों बना, क्या बना, क्यों उसकी जरूरत थी वो हमने देख लिया, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसके क्या उद्देश्य हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको क्योंकि क्या भी बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं इंटरनेशनल, तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा कि अगर किसी को इकोनॉमिक एडवांसमेंट की या रिकंस्ट्रक्शन की या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है, उसको कैपिटल प्रोवाइड करता है। क्या बोल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन, इसको आप लिख सकते हो अगर हेडिंग देना चाहो तो रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में मदद करता है। फिर उसके बाद ये हुआ था, क्यों हुआ था शुरू, क्योंकि बस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो क्या हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। बहुत उनको किसकी रिक्वायरमेंट थी, रिकंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की। तो उन लोगों ने क्या किया, मिलके फिर ये एक क्या बोलना चाहिए, इंस्टीट्यूट क्रिएट किया या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, और फिर उन्होंने हेल्प की, हमने देखा। फिर सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनकरेज टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टू इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर अश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसका ये क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लॉन्ग गारंटी ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट्स एंड अदर प्रोजेक्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज। जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको क्या करता है, ग्रांट करता है लोन फॉर स्मॉल एंड लार्ज यूनिट ऑफ प्रोजेक्ट टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एसओ ब्रिंग अबाउट अ स्मूथ ट्रांसफर फॉर अ वार टाइम टू पीस इकोनॉमी। क्या करता है, पीसफुल इकोनॉमी के लिए बैंक, विश्व बैंक का चौथा उद्देश्य सदस्य देशों की युद्धकालीन आर्थिक अवस्था व्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलना था। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने देखा रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इंकरेजमेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव बैलेंस डेवलपमेंट। फोर्थ ऑब्जेक्टिव पीसफुल इकोनॉमी। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इनकरेज टू इंटरनेशनल ट्रेड, जो इसमें साथ में बता दिया कि बैलेंस, किसको बैलेंस करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करा था और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करा था। और एक और इसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या बोला, टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय द फॉलोइंग वेज, टू प्रोवाइड गारंटी ऑन private loans or capital investment. If private capital is not available even after providing guarantee, then IVRD provides loan for protective activities considered condition. ये क्या है, इसके objectives हैं। मेन हमको क्या, हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, उसके मेंबर्स कैसे, उसका ग्रुप कैसे बनता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि उसका क्या फंक्शन है, वर्ल्ड विश्व बैंक के क्या कार्य हैं या फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक का मेन फंक्शन क्या होगा, जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट में ही पढ़ा था कि वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, मतलब फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, ग्रांटिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन फॉर डिवेस्टेड कंट्रीज, जो मतलब हमने क्या बोला था, बहुत सारी कंट्रीज क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, फिर उन लोगों ने इसलिए क्या किया, डिस्ट्रॉय हो गए थे तो उन्होंने क्या सोचा कि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक हेल्प की इकोनॉमिकली क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। तो वर्ल्ड बैंक का मेन फंक्शन क्या है, क्या वो करता है, एडवांस लोन प्रोवाइड करता है, लोन फ्रॉम इट्स ओन फंड, लोन फ्रॉम बोरोड कैपिटल, फिर अरेंजमेंट ऑफ लोन बाय गारंटी, ये सब तरीके से वो क्या करता है, आपको लोन देने की बात करता है, एडवांस लोन्स की बात करता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी देता है, और जो लोग जो क्या हो चुके थे, टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, प्रोवाइडिंग लोन टू गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ, सभी को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग लोन फॉर प्राइवेट कंसर्न फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। फिर ये तो हमारी किसकी बात हुई, पूरा जो अभी तक हम ऊपर से देख रहे थे, सिर्फ किसकी बात हुई, एडवांस लोन या लोन के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। मेन काम क्या है उसका, कि लोगों को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको कैपिटल की या बोला कि ये फंड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय गारंटी लोन प्रोवाइडेड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड टेक्निकल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एडवाइस टू मेंबर कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इसका मेन वर्क ही क्या है, देखो क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस, एडवाइस एंड रिसर्च। तो उसके यही तीन काम हम किसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसके फंक्शन में, कि ये क्या करता है, फाइनेंस मतलब लोन की सबको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है गारंटी के साथ, अगर सेक्टर वाइज जाए तो सभी सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्प कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्प कर रहा है। अगर उसके बाद उसका क्या आया, एडवाइजरी वाला का फंक्शन आया, तो प्रोवाइडिंग टेक्निकल इकोनॉमिकल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। फिर इनकरेज करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म के थ्रू क्या करता है, उनको इनकरेज करने की कोशिश करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इसके क्या है, मेन फंक्शन है। अब ये बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक के पहले फंक्शन को मैं अगर पॉइंट वाइज बोलूंगी तो हम फर्स्ट लिखेंगे एडवांस लोन, एडवांस लोन में हम लिख सकते हैं उसके अंदर सब पॉइंट में लोन फ्रॉम इट्स ओन फंड, लोन फ्रॉम बोरोड कैपिटल, अरेंज फॉर लोन बाय गारंटी। सेकंड लिखेंगे हम स्पेशल लीडिंग प्रोग्राम, स्पेशल लीडिंग प्रोग्राम में वो बहुत सारे क्या करता है, अलग अलग जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हेल्प करता है। फिर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट असेसमेंट, सेटलमेंट करता है इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को, जैसे उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन देखी थी जिस जो ग्रुप बनता है वर्ल्ड बैंक का, फिर सेटलमेंट, फिर उसके बाद इंटर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन में हेल्प करता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो उसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं। कौन कौन से टॉप बोरोअर्स हैं उनके बारे में बता रहा है, मैक्सिको, ब्राजील, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना, जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, टॉप कंट्रीब्यूशन यूएसए के साइड से 16.39 होता है, जर्मनी, यूके और फ्रांस के बारे में बता रहा है, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में बता रहा है। इंडिया वॉज वन ऑफ द 17 कंट्रीज विच मेट इन, एंड क्या बता रहा है, हम दोनों के बीच की बता रहा है, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है मुझे कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक का क्या रिलेशन है, कब प्रिपेयर हुआ था, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में गए थे वो 17 कंट्री थी, फिर इंडिया को क्या बोल रहा है, इनफैक्ट नेम इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द इंडिया की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि ये नाम होना चाहिए, तो उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। क्रिटिसिज्म से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रोग्रेस है या इसकी क्या क्या सक्सेस रही है, सक्सेस ऑफ वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं विश्व बैंक की सफलता है, ये किसमें है, किसमें सक्सेसफुल रहा, टू प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस में लोन प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल रहा, इंक्रीज इन कैपिटल इसकी इंक्रीज हुई, हेल्प करता है, हेल्प फुल इन एस्टेब्लिशमेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में हेल्पफुल रहा। फिर इसके बाद बोलना चाहिए तो इसने टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया। तो ये क्या बोल रहा है, सक्सेसफुल कहाँ कहाँ रहा, सबसे पहले टू प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, थर्ड इज प्रॉपर असिस्टेंट टू अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉपर असिस्ट किया, इंक्रीज इन कैपिटल, इसकी कैपिटल जो है वो काफी हद तक बढ़ गई। फिर टेक्निकल असिस्टमेंट में मतलब जो टेक्निकली जो उसके मेंबर कंट्री थी उनको असिस्ट करने में काफी ये क्या रहा, सफल रहा। उसके बाद इंटरनेशनल हेल्पफुल इन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस्टैब्लिश करने में सफल रहा, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हमने पढ़ा IDA, फिर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लैंडर्स कंट्रीज मीटिंग, ये क्या करता था, उनकी मीटिंग्स को क्या करने में, अरेंज करने में सफल रहा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको रिक्वायरमेंट थी उनको हेल्प के लिए। फिर हेल्पफुल इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन था। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प किया, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, कंडक्ट इकोनॉमिक रिसर्च करता है। तो ये सब क्या थी, इसकी सफलताएं थी, इसकी सक्सेस क्या क्या थी। अब हम पढ़ते हैं इसके क्रिटिसिज्म या फेलियर जिसको बोल सकते क्या क्या है विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक की क्या क्या फेलियर या क्या क्या क्रिटिसिज्म है ये देखते हैं। सबसे पहले तो डिफिकल्टी फेस बाय द अंडर डेवलप कंट्री, बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो क्या करती है, बहुत सारी क्या बोला, प्रमोटिंग वॉशिंगटन कॉन्सिक्वेंसेस एंड अलाउ ओनली बिग कॉर्पोरेशन टू फ्लरिश, क्या बात कर रहा है कि ये भी यही बोलना चाह रहा है, वो दूसरे तरीके से बोल रहा है, ये दूसरे तरीके से बोल रहा है कि अर्धविकसित देशों के लिए कठिनाई थी। बहुत सारी ऐसी जो इसकी क्या थी पॉलिसीज हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही रिजिड होती हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था, उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इग्नोर द एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसने इग्नोर किया उसके सोशल और एनवायरमेंटल जो भी उस प्रोजेक्ट के इफेक्ट होते हैं उसको, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, पेमेंट कैपेसिटी ऑफ डेटर कंट्रीज। तो कंक्लूजन मुझे क्या मिल रहा है कि आगे तो बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए, सच्चे सहायक के रूप में किसके, विकासशील देशों और आर्थिक व प्रविधिक सहायता देने में विकास के मार्ग में आने महत्वपूर्ण सहयोग दिया, परंतु विश्व के अधिकांश देशों में अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की प्रॉब्लम है उसको दूर नहीं कर पाया। क्लियर है सभी को कि क्या होता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के क्या फंक्शन है। सबसे पहले मुझे क्या समझना है कि इसके फैक्ट्स, ये कहां इसका फॉर्मेशन हुआ, 1944 में, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस वॉशिंगटन DC में है, जो कंट्रीज मेंबरशिप है वो 188 कंट्रीज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये बोली जाती है, प्रेसिडेंट है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्यों है, व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, बहुत सारे क्या हुए थे, कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, फाइनेंशियल सिस्टम उनका एकदम खराब हो गया था। कॉन्फ्रेंस में इसका क्रिएशन हुआ था, इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं या एसोसिएशन आते हैं उनके बारे में बता रहा है। ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए, उसके फंक्शन डिस्कस किए, वर्ल्ड बैंक के टॉप बोरोअर्स, टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर, फिर वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, और उसके हमने देखे उसके कौन कौन से क्या थे सफलताएं थी या सक्सेस थी, और उसके बाद हमने देखा कि उसका क्या क्या फेलियर है। क्लियर है सभी को, यस मैम।